ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी सबसे बड़ी कला है बुद्धि को जहां चाहे, जब चाहे और जितना समय चाहे स्थित कर दें। इस कला के आ जाने से शेष सभी कलाएं स्वतः ही आ जाती हैं। वास्तव में ये बुद्धि की एकाग्रता है, ये बुद्धि की स्थिरता है और इसके बाद जिस भी योग्यता और टैलेंट का हम आह्वान करना चाहें वो भी सहज ही हमारे पास आ जाता है। तो हम ध्यान दें, हमें ऐसी एकाग्रता बढ़ानी है कि जब चाहिए हम सूक्ष्म वतन में जितना समय चाहें रहें, जब चाहें हम अपने भ्रकुटी सिंहासन पर बैठें लंबा समय, जब चाहें हम परमधाम में पहुंच जाएं, जब चाहें अपने पहले जन्म को विजुअलाइज करें, जब चाहें अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाएं और लंबा समय हो जाएं। ये लंबे काल की प्रैक्टिस ही लंबे काल के राजभाग्य के अधिकारी बनाती है। इसके लिए हमें बहुत साक्षी भाव की जरूरत है ताकि हमारा मन इधर उधर भटके नहीं। ये साक्षी भाव हमारी बहुत ही मीठी स्थिति है जिससे पास्ट भी चुक्त हो जाता है और भविष्य भी सुनहरा हो जाता है। पास्ट चुक्त होने का अर्थ है पास्ट भूल जाए। जब पास्ट पूरा भूल जाए तो समझ लो वो समाप्त हो गया है, उसका प्रभाव आत्मा से मिट गया है। तो हमें अपने मन बुद्धि को बहुत क्लीन भी करना है, उसे श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर भी करना है और एकाग्र भी करना है। जो हम संकल्प करते हैं उनकी सूक्ष्म शक्ति, उनका सूक्ष्म विवेक हमारी बुद्धि में समाता जाता है। तो हमें अपनी बुद्धि को ऐसा भरपूर करना है कि वो हिले नहीं। जब कोई चीज भरपूर हो जाती है तो उसका हिलना डुलना समाप्त हो जाता है, और जब कोई चीज खाली होती है, जैसे घड़े में पानी आधा भरा हो, उसे लेके चलेंगे तो छलकता रहेगा क्योंकि जगह खाली है, छलकने की मार्जिन है। हम अपनी बुद्धि को यदि फुल कर लें तो वास्तव में हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। सवेरे से ही हम सुंदर स्थितियों से स्वयं को फुल रखने का प्रयास करें। ज्ञान मुरली के द्वारा हम ज्ञान रत्नों से स्वयं को फुल करने का संकल्प करें। दुआओं का खजाना दूसरों को देकर इस खजाने से स्वयं को भरपूर करें। अपने पुण्य कर्मों के खजाने से भी हम स्वयं को भरपूर करें। और मुख्य बात इसमें रह जाती है अभ्यास की। जब हम बहुत अभ्यास कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और बुद्धि के लिए अभ्यास है विजुअलाइजेशन का। हम आत्मा को लंबा समय विजुअलाइज करें, यानी देखें बहुत सुंदर स्वरूप, बहुत तेजस्वी स्वरूप अपना देखें। फिर हम परमात्मा को विजुअलाइज करें, उसका सुंदर स्वरूप देखें, अपने सामने खड़े हुए फरिश्ते संपूर्ण स्वरूप को विजुअलाइज करें और उसको देखते ही रहें। 10 सेकंड से प्रारंभ करें और इसको 3 मिनट 5 मिनट तक बढ़ाएं। हम उसे केवल देख रहे हैं, हम महाज्योति सर्वशक्तिवान को देख रहे हैं। 3 मिनट तक ले चलें, 10 सेकंड से प्रारंभ करके 3 मिनट फिर 5 मिनट उसको देख ही रहे हैं, और ऐसे ही अपने आत्मिक स्वरूप को देखने का बहुत अच्छा अभ्यास करें। तो ये प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट। तो आज सारा दिन हम 3 चीजों को देखने का अभ्यास करेंगे। आत्मिक स्वरूप बहुत तेजस्वी, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य या पवित्रता का सूर्य, मुझसे बहुत तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर देखेंगे शिव बाबा को, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य।
फिर देखेंगे अपने सामने अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को। बहुत सुंदर ये विजुअलाइजेशन होगा। हमारे सामने हमारा संपूर्ण स्वरूप खड़ा है, हमारे अंग अंग से बहुत तेजस्वी किरणें फैल रही हैं, इसमें मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, मन शुद्ध और शुभ संकल्पों से भरा हुआ है, मैं निरंतर योग युक्त हूँ, सर्व कलाओं से संपन्न हूँ, ऐसा अपना एक चित्र बनाकर आज सारा दिन इसको एंजॉय करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।